बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर पे हम जो सेक्शंस देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हेड के, वो हैं सेक्शन 222 से लेके 225 तक, जिनका टाइटल है प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट। प्रिंसिपल की कौन सी ड्यूटीज हैं टूवर्ड्स एजेंट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 222। अब सेक्शन 222 क्या कहता है? सेक्शन 222 कहता है एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स। टाइटल से ही हमें पता चलता है कि एजेंट के जो लॉफुल एक्ट्स होंगे, इसके जो भी नतज निकलेंगे, तो उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड है कि एजेंट को इंडेमनीफाई करे। सेक्शन क्या कहता है? द एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट इज बाउंड टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स डन बाई सच एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम। इस एजेंट को जो अथॉरिटी दी गई, उसने एक्सरसाइज की, लॉफुल अथॉरिटी थी, लॉफुल एक्ट्स उसने परफॉर्म किए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ उसे डैमेजेस भरने पड़े वगैरह, जो भी उसको नुकसान पहुंचा उन लॉफुल एक्ट्स का, तो प्रिंसिपल बाउंड है कि एजेंट को इंडेमनीफाई करे। अब इंडेमनीफाई का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको मतलब तो आता होगा कि मतलब के कंपनसेट करे। अब हमारे पास सेक्शन है 223 कहता है एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। एजेंट ने जो भी काम किए, जो भी एक्ट्स किए गुड फेथ में, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लॉस वगैरह पहुंचा, तो प्रिंसिपल बाउंड है कि उसको इंडेमनीफाई करे। किस तरह से? सेक्शन कहता है कि वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट एंड द एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ, द एम्प्लॉय इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट दो इट काजेज एन इंजरी टू द राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन्स। अब इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है? इलस्ट्रेशन बी कहता है बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए सेल्स गुड्स इन द पोजेशन ऑफ ए बट विच ए हैड नो राइट टू डिस्पोज ऑफ। अब ए के पास कुछ गुड्स हैं जिसका ए को सेल करने का राइट नहीं है। ए क्या करता है? बी को एजेंट अपॉइंट करता है कि वो इन गुड्स को बेचे। फिर क्या होता है? बी डजंट नो दिस। बी को भी ये पता नहीं है कि ए के पास ये राइट नहीं है। बी किस में एक्ट कर रहा है? गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड हैंड्स ओवर द प्रोसीड्स ऑफ द सेल टू ए। आफ्टरवर्ड सी द ट्रू ऑनर ऑफ द गुड्स सूज बी एंड रिकवर्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड कॉस्ट। अब ए जो है, जो प्रिंसिपल है, वो लाइबल है। ए इज लाइबल टू इंडेमनीफाई बी फॉर व्हाट ही हैज बीन कंपेल्ड टू पे टू सी एंड बी इज ऑन एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे बी को क्या देना पड़ा? बी को डैमेजेस वगैरह देने पड़े। अब इस केस में आप देखें कि एजेंट जो है बी, उसने गुड फेथ में काम किया। अब उसने गुड फेथ में काम किया, सी जो के ट्रू ऑनर है, उसने किस को स्यू किया, किस पे के ऊपर केस किया? बी के ऊपर। अब ए जो है वो बाउंड है कि बी को इंडेमनीफाई करे। अब ऊपर हमने क्या बात की कि प्रिंसिपल बाउंड है। अब इस सेक्शन में 224 में प्रिंसिपल बाउंड नहीं है। नन लाइबिलिटी ऑफ अ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। अब इस सेक्शन में क्या कहता है? वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल। कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए एजेंट अपॉइंट किया जाता है। द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू द एजेंट अपॉन आइदर अपॉन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोमिस, भले प्रोमिस हो तब भी नहीं, टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट। अब एजेंट कोई अपॉइंट हो गया किसी भी क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, अब एजेंट को कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आए, उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो लाइबल नहीं होगा। अब इलस्ट्रेशन ए अगर आप देख लें तो ये कहता है ए एम्प्लॉयज बी टू बीट सी। ए जो है वो बी को एम्प्लॉय करता है, बी को एजेंट करता है कि वो क्या करे? सी को मारे। फिर क्या होता है? एंड एग्रीज टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। और ए जो है वो एग्री करता है कि तुम सी को मारो और जो भी तुम्हें खर्चा वगैरह आएगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूँगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉमिस भी है इंडेमनीफिकेशन के हवाले से, लेकिन क्या होता है? बी देयर अपॉन बीट सी एंड हैज़ टू पे डैमेजेस टू सी फॉर द सो डूइंग। अब बी ने इसको अकॉर्डिंगली मारा भी है, अब कुछ डैमेजेस वगैरह बी को पे करने पड़े सी को, ठीक।
बी ने सी को अदा किए। अब ए लायबल नहीं है कि वो डैमेजेस बी को दे, इंडेमनीफाई करे, ये ए के ऊपर लायबिलिटी नहीं है। इवन दो देयर इज अ एक्सप्रेस प्रॉमिस, लेकिन ए इज नॉट लायबल बिकॉज द एक्ट फॉर विच एजेंट इज अपॉइंटेड इज क्रिमिनल। आज के लेक्चर का लास्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो है 225, जो कि बात करती है कंपनसेशन टू एजेंट फॉर इंजरी कास्ड बाय प्रिंसिपल्स नेगलेक्ट। टाइटल से ही लगता है आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल की नेगलेक्ट के नतीजे में जो भी इंजरी एजेंट को पहुंचा है उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड है कि कंपनसेशन दे। अब सेक्शन कहता है द प्रिंसिपल मस्ट मेक अ कंपनसेशन टू हिज एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी कॉज्ड टू सच एजेंट बाय द प्रिंसिपल्स नेगलेक्ट और वांट ऑफ स्किल, लेस ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल या नेगलेक्ट जो कि प्रिंसिपल की थी, इसके वजह से अगर इंजरी पहुंची एजेंट को तो एजेंट जो है वो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रिंसिपल की जो ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स एजेंट वो हमने डिस्कस की, ये सेक्शंस हमने डिस्कस किए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, किसी और लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।